Hello my beautiful girls, how are you and welcome to my channel Dibina Decodes. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लेट मी जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन. आई एम एन एक्टर. आई मीन एक साल से ऑब्वियसली आई हैव नॉट डन एनी एक्टिंग एज सच इन टेलीविजन एंड ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर एंड करंटली मामा टू बी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माई चैनल प्लीज गो थ्रू इट. यू जस्ट माइट फाइंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. और इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम अ mother, I mean you are already pregnant or you are just a mama, I mean a newborn mama, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी एक बच्चा जन्म लेता है उसके साथ ही जन्म लेती है उसकी माँ. So if you are a newborn mama, let's connect on my channel Dibina Decodes, क्योंकि this is something that is happening in my life at the moment and since I talk about you know relevant things that is happening to me in my life at the moment, I would like to say that आगे के कुछ videos will definitely revolve around my situation, what I have gone through, what I am going through, the researches new that I'm doing and all about pregnancies right now. So if you want to see more of those videos, hit the subscribe button to my channel Dibina Decodes if you have not yet. And if you already are an existing member, let's do this journey together. So this video is all about, you know, trying to give you an answer to the questions again, जो मुझे मिलता है आप लोगों से. सबसे ज़्यादा questions आ रहा है from other women who are trying to conceive. और मुझसे पूछ रहे हैं कि how did you conceive और आपके जो conception journey है वो हमारे साथ share करें. ज़रूर मैं ये एक लंबी कहानी है मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी ऑन माय चैनल. बट दैट थिंग विल वेट अ लिटिल बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द थिंग्स दैट आई फेस्ड एंड हाउ आई ओवरकेम. आई वाज लॉन्गिंग कि मैं ये जर्नी कभी मैं शेयर करूँ बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम बिकॉज आई एम स्टिल नॉट ओवर इट. आई एम नॉट स्टिल एकदम कि ओ वाओ एवरीथिंग इज सुपर फाइन एंड मतलब कल ही बच्चा हो रहा है ऐसा नहीं है सिचुएशन. तो जैसे ही आई विल आई मीन वंस द बेबी कम्स होम एंड एवरीथिंग इज फाइन आई विल डेफिनेटली शेयर माई जर्नी विथ यू. इनफैक्ट आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी विथ यू बिकॉज दैट जस्ट माइट इंस्पायर एंड हेल्प अ लॉट ऑफ लेडीज आउट देयर. बहुत लड़कियाँ मुझे बोल रही है कि दे आर ऑल्सो प्रेगनेंट, दे आर ऑल्सो आई मीन फ्रॉम 3 months टू 8 months, मतलब सब लोग लिख रहे हैं दे आर ऑल्सो प्रेगनेंट. सो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी एंड वी आर शेयरिंग आर जर्नी विद ईच अदर. वी कैन एक्चुअली शेयर आर जर्नीज विद ईच अदर. तो आप लोग मुझसे जरूर आप लोग मुझे ज़रूर लिखिए एंड इफ यू आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर भी आप लोग लिखिए ताकि वी आर इन टच ऑन अ डेली बेसिस. वी कैन एक्चुअली शेयर आइडियाज एंड यू नो ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग टू मी इन माई लाइफ एंड मे बी यू कैन गिव मी सम टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट यू नो वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू इन योर लाइफ. सो दैट वेज वी कैन बिल्ड अप अ हेल्थी कम्युनिटी. इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू ऑल ऑफ यू ब्यूटिफुल गर्ल्स. वन स्मॉल थिंग दैट आई फेस्ड और मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं बस एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. जो रेंज है मेरे YouTube चैनल का 14 ईयर ओल्ड टू 50 ईयर ओल्ड गर्ल्स मैं बोलूँगी बिकॉज वी आर ऑल गर्ल्स एट द एंड ऑफ द डे. येस एंड एक चीज़ जो मैं बोलूँगी कि कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग सुनते हैं. सो एक छोटा सा मैं जोक सुनाना चाहूँगी. एक लड़की ने दूसरी लड़की को कहा When will you have a baby? आपका बच्चा कब होगा? आपकी इतनी आपकी शादी हो गई है अभी बच्चा कब होगा? तो दूसरी लड़की ने कहा I have had 5 miscarriages. क्या हुआ आप लोग को हंसी नहीं आई? बिल्कुल इसी तरीके से मुझे भी हंसी नहीं आई क्योंकि हंसने वाली बात है ही नहीं. सो
ऑल यू ब्यूटिफुल गर्ल्स, आप लोगों को पता है इफ़ यू आर ऑन द रिसीविंग एंड कि ये क्वेश्चन कि आपका बच्चा कब होगा, आप माँ कब बनेंगी, इट इज़ सो हर्टफुल. इवन दो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चंस मे बी, बट जिस सोसाइटी में, जिस टाइम में हम बिलोंग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है वी आर ऑल वेरी यू नो सेल्फ सफिशियंट, वी नो व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर अस. सो अ वुमन हु इज़ नॉट येट बिकमिंग अ मदर मीन्स आइदर शी हैज़ हर ओन रीजंस, उनके खुद के कुछ कारण होंगे जिसके लिए वो नहीं करना चाहती, मे बी वो कारण फिजिकल ना हो, वो कोई प्रॉब्लम ना हो, जस्ट हर ओन रीजन, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ मदर येट. सेकेंड रीजन ये हो सकता है, मे बी शी इज गोइंग थ्रू हर ओन फाइट्स, हर फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट शी इज फेसिंग. थर्ड थिंग इज maybe there is no physical fight, I mean there is no problem in her, but it is just not happening. So for whatever reason, asking this question to a woman is, I feel very hurtful. So ye sawal main kuch saalon se itna face kari hu, and every time it has hurt me so much. I thought इस वीडियो में मैं बस एक बार और आखिरी बार ये बोल के मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि इसके आगे की जर्नी इज़ ब्यूटिफुल, इसके आगे की जर्नी इज़ यू नो अ लॉट ऑफ सीखना, पढ़ना और सिखाना, एक दूसरे के साथ शेयर करना. तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कभी ये बात और लाऊंगी नहीं, लेकिन इस वीडियो की ये टॉपिक है दैट प्लीज़ डोंट आस्क this kind of question to another woman. It is just not okay. It is just not okay. So, खैर, इस टॉपिक को हम लोग अभी साइड हटाते हैं, फिर आगे आती हूँ. और राइट नाउ वॉट आई एम डूइंग इज़ ब्यूटिफुल. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, यू नो जैसे बोलते हैं फर्स्ट टाइम मॉमीज आर ऑलवेज ओवरवेलम्ड विथ लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट इज़ प्रोवाइडिंग सो मेनी इन्फॉर्मेशन, देर आर सो मेनी यू नो कंपनीज हु हैव ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स, एंड ऐसा लगता है ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, मतलब मैं क्या खरीदूँ और क्या नहीं, मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है. सो आई एम डूइंग माय ओन काइंड ऑफ रिसर्च. येस, ऑल द पीपल हु आर गिविंग मी सजेशंस कि आप लिपस्टिक ना लगाएं, आप ये ना करें, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट मैं जो भी मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करती हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सेल समथिंग, इट इज़ बिकॉज आई हैव अ नैक फॉर समथिंग. मतलब आप सोच सकते हैं व्हेन आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस, तो मेरे पास कितने ब्रांड से कितने प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे पास, तो और तो मेरे पास तो मतलब भर रहा हुआ है अबाउट टू अलमीराज फुल ऑफ प्रोडक्ट्स. फिर भी मैं खुद खरीदती हूँ, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, मुझे नया जो भी दिखता है मैं खरीदती हूँ, बिकॉज मुझे नैक है अबाउट कॉस्मेटिक, अबाउट स्किन केयर. तो सिमिलरली माय नैक हैज़ वाइडेंड, आई मीन होराइजन थोड़ा बड़ा हो गया है. सो नाउ माय नैक इज़ इनटू बेबी केयर, इज़ इनटू आई मीन मोर इनटू क्लीन कॉस्मेटिक्स. आपको पता होगा कि मैं हमेशा क्लीन कॉस्मेटिक्स के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, पसंद करती हूँ. मैं आप लोगों को हमेशा एजुकेट करती हूँ कि यू नो ओवर द काउंटर जाके है ये दे देना, ये बोलना जितना आसान है उतना ही ये आपके हॉर्मोन्स के ऊपर यू नो हैवॉक करता है. मैंने बार बार ये बोला था कि हम जब क्लीन कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करते, ये हमारे हॉर्मोन्स को ऊपर नीचे कर देता है, जो बाद में प्रॉब्लम करता है. सो इफ़ यू आर अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल हु इज़ फॉलोइंग माई चैनल एंड who would love to just take up one tip is please read the label. Please अभी से आप कोशिश करो कि start using clean cosmetics, be it lipstick, be it anything that you apply to the skin, because everything seeps inside the skin. So जो लोग बोल रहे हैं कि आपने lipstick लगाया, ये लगा रहे, वो skin के through अंदर जाता है, ये सिर्फ baby को hurt नहीं कर रहा है अभी, ये हमेशा ही हमारे skin के through अंदर जाता है और हमारे hormones को ऊपर नीचे कर देता है. So not when you are pregnant, but the day you start using cosmetics,
उसी दिन से आप ये अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आए एंड स्विच टू क्लीन कॉस्मेटिक्स. थोड़ा ब्रेक लेती हूँ. ओके. सो कमिंग बैक अगेन, यू नो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है. थैंक्स टू यू नो वांटिंग टू गो टू पी आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स. तो सॉरी फॉर टेकिंग दैट ब्रेक एंड कमिंग बैक अगेन. यस, यू कैन सी दैसा कप. ये कप में है जीरा का पानी जो मैं यूजली दोपहर को खाना खाने के थोड़ी देर के बाद पीती हूँ, बिकॉज दिस कीप्स माई ब्लोटिंग एंड गैस अंडर कंट्रोल. जीरा का पानी पीते पीते सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं अ फ्यू इन्फॉर्मेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगा. यू नो एज वी ऑल नो, आई मीन मुझे भी आप लोग सजेशंस देंगे और मैं भी डेफिनेटली हर एक को सजेशन दूंगी. यू नो डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन डू, बट आई रियली डू नॉट नो व्हाट इज गोना हैपन. और एज अ वर्किंग मॉम मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा पता करके रखना ज़रूरी है. यू नो द बेस्ट फार्मूला मिल्क दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. और ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट यूट्यूब देख के देखते देखते आई टोल्ड यू यूट्यूब इज़ ऑल्सो, आई मीन इट्स अ ह्यूज नैक फॉर मी. मैं जहाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती भी हूँ मैं यहाँ से खुद इंफॉर्मेशन भी लेती हूँ. एंड आई केम अक्रॉस बेबी फार्मूला एक्सपर्ट इन USA एंड ये इनका YouTube प्रोफाइल मैं दे दूंगी. आई कीप सीइंग हर videos. शी आई मीन ऐसा नहीं है कि वो मुझे बोलती है, वो मतलब लोगों को बोलती है कि ये खिलाओ ये पिलाओ यही पिलाओ ये अच्छा है. कितने अच्छे तरीके से, आई मीन इफ यू जस्ट गो थ्रू हर वीडियोस, आई मीन इफ यू आर आल्सो इन द सेम फेज एज माइन, मतलब आप भी अगर इनके वीडियोस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आई मीन योर ओन रिसर्च इज डेफिनेटली द बेस्ट रिसर्च. डॉक्टर आपको बोल देंगे ये खिला दो ये पिला दो, यू वुड नो कि उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, उस बेबी फूड में कॉम्पोजिशन क्या है. एंड आई एम सटली सरप्राइज्ड विद द फैक्ट दैट मुझे ये नहीं पता था दैट मिल्क काउ मिल्क और मिल्क कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, द केसिन एंड वे. वे इज द लिक्विड और द पानी जैसा जो दिखता है वो पोर्शन है, और दूध जब दही टाइप का बन जाता है, दही जैसा फट जाता है, मतलब दही मार जाना बोलते हैं दूध को, उसका जो वाइट वाइट पोर्शन है वो है केसिन. केसिन थोड़ा टाइम लगता है शरीर को मतलब हजम करने के लिए, और वे बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. सो आई मीन टू अ न्यू बॉर्न मदर के जो दूध होता है उसमें 40% केसिन होता है और 60% वे होता है. 60% वे होता है, 40% केसिन होता है. बट मोस्टली मार्केट में जो फॉर्मूला फीड मिलता है वहाँ पे होता है 70% केसिन एंड 30% वे, विच इज़ एब्सोल्यूटली ऑपोजिट. मतलब बच्चे का पेट जल्दी जल्दी भर जाएगा, इसलिए क्योंकि वो जो वाइट वाला पोर्शन जो घना होता है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है वो पोर्शन ज़्यादा होता है. जैसे हम बोलते हैं कि ये दूध बहुत थिक है, अच्छा है बच्चे के खाने के बाद पेट भरा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई एक्सपर्ट माँ हूँ ऑलरेडी. ये सिर्फ मेरा रिसर्च है बाय द वे, आई मीन प्री रिसर्च. सो ऐसा नहीं है एक्चुअली. तो बेबी के यू नो नाजुक टमी में थोड़ा भारी पड़ता है, तो इसीलिए आई वुड पर्सनली लुक फॉर अ फॉर्मूला विच इज़ क्लोजेस्ट टू ब्रेस्ट मिल्क विच हैज़ लोअर परसेंटेज ऑफ केसिन एंड हायर परसेंटेज ऑफ वे, मुझे ऐसा लगा. एंड दीज आर अ फ्यू रिसर्च आई थॉट मुझे मैं आप लोगों को नॉलेज पास ऑन करूँ जस्ट इन केस इफ इट माइट हेल्प यू. मैं रोज़ कुछ ना कुछ स्टडी कर रही हूँ, सो आई विल शेयर माई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस. हमेशा ब्रांड के लिए जब मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. यू नो उसको पहले मैं टेस्ट करती हूँ कुछ दिन, मुझे अच्छा लगता है वो ऑब्वियसली उसके कॉम्पोनेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे वो भी जब अच्छा लगता है तो उसका सारा वीडियो इट्स ओवर द टाइम
टाइम जैसे मैंने यूज किया, उसकी यूसेज क्या है, मतलब ये सब करते करते थोड़ी मेहनत लगती है. लेकिन आज मुझे थोड़े थकावट हो रहा था, मुझे लगा कि मतलब हमेशा ब्रांड का वीडियो करने को नहीं हो रहा है. आई एम फीलिंग लिटिल टायर्ड ऑल्सो, सो आई थॉट आई जस्ट सिट एंड चैट विथ यू, गिव सम इन्फॉर्मेशन एंड आई जस्ट होप यू लाइक इट. वेरी सून आई विल मेक अ हॉस्पिटल बैग, वेरी सून आई एम गोना make my nursery. The list is very long, so stay tuned to my channel for the upcoming videos, and don't forget, I love you guys.